सभी वैल्यू को बताना चाहूंगा, ये डीजीपे की एक सर्विस है, डीजीपे माइक्रो एटीएम। तो जो वीएलई अभी डीजीपे यूज कर रहे हैं, अपने डीजीपे के माध्यम से ही माइक्रो एटीएम की सुविधा जो है अपने सेंटर से ये सुविधा अपना प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में, मेरा नाम शुभम शर्मा है, लखनऊ सीएससी ऑफिस से, डीजीपे और माइक्रो एटीएम की जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में। तो माइक्रो एटीएम जो सर्विस है वो बीएलई अपने सेंटर से कैसे स्टार्ट करेगा, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पे बताई जा रही है। डीजीपे माइक्रो एटीएम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बीएलई को अपना माइक्रो एटीएम अपने सीएससी पोर्टल या सीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीएससी बाजार, वहां से इसको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ऑर्डर करने के लिए करना क्या है पीएलई को, या तो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से या सीएससी बाजार के माध्यम से पीएलई लॉगिन करेगा अपने सीएससी आईडी पासवर्ड से। वहां से लॉगिन करने के बाद कुछ नॉर्मल डिटेल हैं जो पीएलई को फिल करनी है, जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अपने एक एड्रेस जहां पे वो डिवाइस कुरियर के माध्यम से कुरियर होगी। ये डिटेल फिल करने के बाद वीएलई को वहां से ऑर्डर प्रोसीड करना है। देन उसके बाद डिवाइस वीएलई का जो कम्युनिकेशन और जो एड्रेस होगा वहां पे उसकी डिवाइस उसको अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे ही डिवाइस वीएलई को प्राप्त हो जाए तो उसके बाद वीएलई माइक्रो एटीएम कैसे स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वीएलई को अपना डीजी पे ओपन करना है अपने एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से। तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड उसमें ओपन होगा जो बीएलई के सामने अभी आप लोगों के सामने डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। तो करना क्या है, बीएलई को सबसे पहले अपना डीजी पे ओपन करना है। सेम प्रोसेस रहेगा जैसे सिस्टम से होता है, सबसे पहले आपको सीएससी आईडी डालनी है, देन उसके बाद ओटीपी प्रोसीड करना है। ओटीपी पुटअप करने के बाद आपको फिंगर ऑथेंटिकेट करना है। तो फिंगर ऑथेंटिकेट करने के बाद आपके एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे एक सर्विस अवेलेबल होगी कार्ड ऑन पिन के नाम से। तो वीएलई को सबसे पहले कार्ड और पिन पे क्लिक करना है। कार्ड और पिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की जो स्क्रीन है वीएलई के सामने शो हो जाएगी, जहां से उसको एमएटीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो प्ले स्टोर के माध्यम से वो वहां से डाउनलोड कर लेगा। तो वीएलई को यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही वीएलई अपना एमएटीएम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेगा, डाउनलोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को आपको रन कर देना है। अपने फोन की ब्लूटूथ आपको ऑन रखनी है, तो जो डिवाइस का सीरियल नंबर है वो आपकी सीरीज में, मतलब जो ब्लूटूथ सीरीज आएगी कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, जैसे डिवाइस का सीरियल नंबर होता है, जैसे सामने दिया हुआ है D180। तो आपकी जो डिवाइस का सीरियल नंबर है वो आपके सामने शो हो जाएगा। आपको वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस रहेगा ट्रांजेक्शन करने के लिए। सबसे पहले वीएलई को कार्ड एंड पिन पे क्लिक करना है। दो सर्विस करंट में उसके लिए अवेलेबल हैं कार्ड एंड पिन के माध्यम से, जहां से वो कैश विड्रॉ कर सकता है या बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है। कैश विड्रॉ पे क्लिक करना है या बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करना है। मान लिया कोई कस्टमर आपके यहाँ से कैश विड्रॉ करता है, तो कैश विड्रॉ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर पुट अप करेंगे, उसके बाद कितना अमाउंट उसको निकालना है नीचे बॉक्स में क्लिक करने के बाद उसको आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद जो हमारी माइक्रो एटीएम डिवाइस है, कस्टमर को उसमें अपना पिन एंटर करना है और अपने कार्ड को तब तक रिमूव नहीं करना है जब तक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल की जो स्लिप है आपके स्क्रीन पे शो ना हो जाए। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये जो माइक्रो एटीएम की डिवाइस है अन्य जो कंपनियां हैं या जो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सब की तुलना में बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 2100 रुपए में आपको यह सर्विस जो है प्रोवाइड की जा रही है। इससे अलग कोई भी ऐसा शुल्क नहीं है जो वीएलई से लिया जाएगा। बहुत से वीएलई मतलब
सोच रहे होंगे कि उनसे वार्षिक शुल्क लिया जाएगा या महीने का कुछ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 2100 रुपये, वो भी आपके सीएससी पोर्टल पे जब आप डिवाइस के लिए ऑर्डर करेंगे वहीं से ही डिडक्ट होगा। इससे अलग कोई भी शुल्क जो है वीएलई से नहीं लिया जाएगा। और इसमें काम जो भी वीएलई डीजीपे के साथ साथ अपना कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, वो माइक्रो एटीएम के साथ साथ भी एक अच्छा खासा कमीशन अपने सेंटर से अपने लिए ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन का अमाउंट दिया हुआ है कि किस वीएलई को कितने ट्रांजेक्शन करने पे कितना कमीशन मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई वीएलई 200 रुपए की ट्रांजेक्शन करता है तो उसका जो कमीशन होगा वो होगा 64 पैसे, और 500 रुपए की अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है किसी कस्टमर की तो उसका जो टोटल कमीशन बनेगा 1 रुपए 60 पैसे। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा ऐसे ही वीएलई का कमीशन बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए कोई कस्टमर वीएलई के यहाँ से 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करता है तो उसका जो टोटल कमीशन बनेगा 9 रुपए 60 पैसे विद टीडीएस। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी वीएलई अपना नॉर्मली अपने सीएससी पोर्टल से इस डिवाइस को ऑर्डर कर सकता है। किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड आप अपने माइक्रो एटीएम के माध्यम से यूज कर सकते हैं। जैसे हम सिंपली एटीएम होता है वहां सभी तरीके के एटीएम कार्ड चलते हैं, तो सेम प्रोसेस रहेगा हमारी माइक्रो एटीएम डिवाइस के माध्यम से भी आप किसी भी कार्ड से अपनी ट्रांजेक्शन यहाँ से पैसा निकासी कर सकते हैं या बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। कमीशन रेट आपको दिखाई दिया है, काफी अच्छा कमीशन है जो सीएससी के माध्यम से आप लोगों को माइक्रो एटीएम के लिए दिया जा रहा है। तो अनुरोध करूंगा सभी वीएलई से जो आज की डेट में अपना डीजीपे यूज कर रहे हैं वो माइक्रो एटीएम की सुविधा भी अपने सेंटर से जरूर प्रोवाइड करें। स्टार्टिंग बेस बनाना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन जैसे जैसे आपके कस्टमर को पता चलता रहेगा कि आपके यहाँ एटीएम की सुविधा भी है तो धीरे धीरे आपका कस्टमर बेस बढ़ने लगेगा, और जो कमीशन एक अच्छा खासा कमीशन आप डीजी के माध्यम से ले रहे हैं वो माइक्रो एटीएम में भी एक अच्छा खासा कमीशन आप ले सकते हैं। कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम होती हैं, मान लिया अगर कोई वीएलई इस तरीके की प्रॉब्लम किसी वीएलई को आती है, जैसे अभी स्क्रीन पे शो हो रही है इनवैलिड इनकैप्टेड डेटा, तो इस स्थिति में करना क्या है, वीएलई को अपने जो डिस्ट्रिक्ट टीम होती है या जो हम सेंटर टीम से हैं वो हम लोगों से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। अपनी नॉर्मली अपनी डिटेल प्रोवाइड करा के अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के माध्यम से, तो जो ये प्रॉब्लम है इनवैलिड इनक्रिप्टेड डेटा ये आपकी सोल्व हो जाएगी। इससे अलग कुछ भी प्रॉब्लम वीएलई को अपना माइक्रो एटीएम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसे इंस्टॉल करने में, उसे चलाने में, उसे समझने में, तो प्लीज आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पे आप प्लीज अपनी एक बार डिस्ट्रिक्ट टीम से जरूर संपर्क कीजिए। अगर वो बिजी हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो कोशिश रहेगी कि आपकी तुरंत के तुरंत आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाए। तो ये था माइक्रो एटीएम के बारे में। नॉर्मली है कोई भी वीएलई एक आसान तरीके से माइक्रो एटीएम अपने सीएससी सेंटर से स्टार्ट कर सकता है। मात्र 2100 रुपये उसको पे करने हैं, वो भी अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से, जहां से डिवाइस वीएलई के द्वारा जो एड्रेस दिया जाएगा उसके यहाँ पे कोरियर होगी। कोरियर होने के बाद डिवाइस जो है बैकएंड से ही मैप होके आती है, यानी कि जो भी वीएलई ऑर्डर करे वो प्लीज अपनी सीएससी आईडी से ही उसको ऑर्डर करे, किसी अन्य सीएससी आईडी से उसको ऑर्डर ना करें। तो यह है कि जो भी वीएलई माइक्रो एटीएम ऑर्डर करता है सबसे पहले अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन करे, वहां पे सर्च बार में आप माइक्रो एटीएम सर्च कर सकते हैं, जहां से आपको माइक्रो एटीएम के लिए प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड करने के लिए कुछ नॉर्मल से डिटेल्स हैं जो आपके लिए चाहिएंगी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एक एड्रेस जहाँ पे आपकी डिवाइस कोरियर होगी। कोरियर होने के बाद जो प्रोसेस अभी आपको बताया गया है सेम उसी प्रोसेस से आप अपने डिवाइस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो था माइक्रो एटीएम के बारे में कि माइक्रो एटीएम की सुविधा एक सीएससी सेंटर से हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से वीएलई सोचते हैं कि अगर कोई भी कस्टमर एटीएम से आपके यहाँ से निकासी करता है तो उस पर कोई शुल्क होगा, तो
तो बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी शुल्क किसी भी प्रकार का नहीं है। जो भी लिमिट उसके बैंक से दी हुई होती है कस्टमर को, सेम उसी लिमिट से हमारे सीएससी सेंटर से माइक्रो एटीएम के माध्यम से वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। कमीशन आपको दिखाई दिया है, मंथली कमीशन होता है। मंथली आपके डिजिटल वॉलेट जो होता है आपका डिजीपे वॉलेट, हर महीने आपका कमीशन आपके डिजीपे वॉलेट में सीएससी के द्वारा आपको दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है जो कि वीएलई अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आज की डेट में हमारे जितने भी वीएलई हैं जो डिजीपे आज यूज कर रहे हैं, तो वो अपना माइक्रो एटीएम की सुविधा अपने सेंटर से जरूर प्रोवाइड करें। आज ही अपना डिजिटल सेवा के माध्यम से या सीएससी बाजार के माध्यम से अपनी डिवाइस आज ही बुक करें, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है। तो जो वीएलई अपना जल्दी से जल्दी ऑर्डर करता रहेगा, उसकी डिवाइस 7 से 10 दिन के अंदर उसकी डिवाइस उसके एड्रेस पे कुरियर कर दी जाएगी, जहां से वो अपना बिजनेस आसानी से बढ़ा सकता है।